महिलाओं के पेट में कोई बात पचती नहीं, क्या आप मानती है ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है ऐसा। आपके साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो क्या पेट में दर्द शुरू होता है या कुछ और वजह, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? सर जब हम लोग को कुछ बात बताई जाती है तो मैं अपनी बता रही हूँ। हाँ अपनी बताइए। कि मुझे कुछ बात पता चली तो मेरा मेनली ये रहता है कि मेरे जो सबसे ज्यादा क्लोज हैं लोग, मैं उनको झटाझट बता देती हूँ कि हाँ आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, तो मेरे पेट में बेसिकली बात नहीं बचती। और मैं मतलब सीरियसली ये समझती हूँ कि औरतों के पेट में कोई भी बात नहीं बचती अगर उन्हें कुछ बता दिया जाए, वो एक दिन बाद, एक घंटे बाद, दो महीने बाद, हफ्ते भर बाद, वो पक्का वो बात कहीं ना कहीं से निकल आएगी, पर वो बाहर आएगी जरूर। तो आप मानती हैं कि ये एक नैसर्गिक सत्य है? जी हाँ। ये तो होता ही है। अच्छा इसमें क्या आनंद ज्यादा आता है? सर आनंद तो नहीं आता, पर मतलब ये ऐसा कि मतलब एक चीज पता चलती है ना तो वो लगता है कि सबको पता चलनी चाहिए। अगर कोई नई चीज है तो एक गॉसिप टाइप हो जाता है ना, कि बोलते हैं वैसे भी लोग बेसिकली कि चार महिलाएं मिली तो चुगली शुरू, तो ये चीज सच्चाई है। अगर एक जगह लड़कियां चार खड़ी हों तो उनकी बातें चटाचट चलती ही रहेंगी, वो बंद नहीं हो सकती कहीं से भी। तो आप मानती हैं कि इस मुद्दे पे मजा बहुत आता है? जी हाँ मजा बहुत आता है। जी मैं बिल्कुल मानती हूँ। तो कैसे क्या होता है इसमें? होता क्या है, महिलाएं आती हैं, कोई किसी को अपनी बात शेयर करता है तो वो इधर से उधर बात कर देती हैं, उसका परिणाम ये होता है कि पूछा पुछैया होती है, मार पिटैया होती है। इसलिए किसी ने अपना समझा है, किसी ने आपको अपना समझा है तो आपको चाहिए कि उनकी बात को मन में ही रखें। लेकिन रखती नहीं है? लेकिन रखती नहीं है। कभी इस तरह का आनंद आपने भी उठाया? नहीं नहीं मैंने कभी नहीं उठाया। मैं अक्सर जिन लोगों से मिलती हूँ उनके अच्छा ही समझाती हूँ, झूठ के उसमें कभी चलना ही नहीं चाहिए। एक झूठ मतलब आपके पेट में ये? जी 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 मैं सारी बातें हजम कर लेती हूँ। मतलब आपका हजमा बहुत बढ़िया है। यस यस यस। जो महिलाएं इस तरह की बातें करती हैं, जो इधर की बात उधर करती हैं जैसा कि आपने बताया, जी जी, तो क्या उनको लोग अच्छी नज़र से देखते हैं? नहीं नहीं उनको लोग बिल्कुल अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं और ना ही उनकी समाज में कोई इज्जत रहती है। ऐसे लोग चुगलखोरों की गिनती में आते जी हैं? जी जी बिल्कुल चुगलखोरों की गिनती में आते हैं। क्या कानून में ऐसे लोगों के लिए कोई सजा है? जी जी बिल्कुल सजा है कानून में। क्या सजा है? सजा यही है कि जो अपने बात को दूसरों अपने तक ही ना रखे, दूसरे को करे, तो उनकी मतलब कानून क्या सजा देगा? पहले तो हम उनको खुद ही सजा दे देंगे और उनसे रिश्ता ही नहीं रखेंगे कि यार ये इंसान अच्छा है ही नहीं, हमारी बात इसने रखी नहीं है, इसलिए आगे से ध्यान रखेंगे। ऐसी महिलाएं होती जरूर हैं? जी जी बिल्कुल होती हैं। महिलाओं पे एक आरोप लगता है कि उनके पेट में बात पचती नहीं है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी बिल्कुल सही बात है और ये गलत है, क्योंकि औरतों को जब दो रोटी खाती हैं हजम करती हैं तो औरतों को दो बातें भी हजम करनी चाहिए। पर आजकल हम ये ज़्यादातर देख भी रहे हैं कि जो पुरुष भी है ना वो भी अब पेट में बात नहीं रखते हैं, यहाँ की बात वहाँ कर देते हैं। अगर कोई बात अगर स्त्री बता भी दे तो उस बात को वो मतलब रखते नहीं हैं, दूसरे किसी और को बता भी देंगे, चाहे वो रिलेशन में हो चाहे वो कहीं भी हो, तुरंत अपना मतलब कोई दिल का हाल बांटे तो वो आपस में अपने परिवार वालों को बता। मतलब महिलाओं के गुण पुरुषों में पहुंचते जा रहे हैं। हाँ जी क्या नुकसान होता है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि पेट में बात महिलाओं के आमतौर पर या पुरुषों की पस्ती क्यों नहीं? ये उनकी सोच में परिवर्तन है, वो अपने घर वालों को ज़्यादा ही अपने मतलब करीब मानते हैं, इसलिए हर बात शेयर कर देते हैं आपस में और उनको नहीं करनी चाहिए। आप मानती हैं ये जो आरोप है महिलाओं पे लगता है ये पुरुषों पे भी इन दोनों लागू होता है? हाँ जी मैं 50-50 मानती हूँ कि महिलाओं के पेट में बात नहीं बचती है, ये 50% सत्य है, लेकिन पुरुषों के पेट में भी बात नहीं पचती है उतना ही सत्य ये भी है। अब तो बदनाम महिलाएं हैं ये एक अपवाद कह लें या उनका दुर्भाग्य कह लें, तो ना तो ये जो पेट में ना पचने जैसा जज्बा है तो क्या ये महिलाओं को खुशी देता है, आनंद देता है? जैसे एज ए वुमेन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब घरेलू महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं तो कोई भी बात जब होती है तो चूंकि वो घर में ही हैं
तो जैसे ही उनका शाम को पति आता है या कोई और आता है तो वो चाहती है कि मैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर करूं, उनको बताऊं आज क्या हुआ, आज मेरी सास ने क्या कहा, आज मेरी पड़ोसिन ने क्या कहा, किससे, मतलब पेट में गुड़ुम-गुड़ुम होती रहती है। तो वो उनसे शेयर करती हैं और कोई ना कोई बोलने वाला होना चाहिए, उसको वो कह देते हैं कि पेट में नहीं पचती है। जबकि जो वर्किंग लेडी है उनके पास टाइम नहीं है कि वो इस तरह की कोई भी, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं जो वर्किंग लेडी हैं वो इस मामले में थोड़ी कमजोर है। हाँ, और जो पुरुष हैं जो घर में रहते हैं जो काम नहीं करते हैं वो भी यही काम करते हैं जो घर में रहने वाली महिला। मतलब आपका मतलब ये है कि आप दोनों तरफ बराबर लगी होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा क्या आप मानती हैं कि ऐसे करने वालों को लोग सम्मान देते हैं, चुगलखोरों में भी उनकी गिनती हो जाती है? पेट में पचना और चुगलखोरी करना अलग अलग बातें हैं दोनों। तो डिफाइन कीजिए प्लीज। पेट में पचना ऐसा है जैसे वही मैंने बोला कि कोई भी बात हो घर में किसी से भी लोगों ने कहनी है, अपना गुबार निकालना है, अपना गुस्सा निकालना है। लेकिन जो आपने कहा चुगलखोरी, अगर आपने कह दिया कि ये बात कहना नहीं वो ज़रूर कहेंगी, वही चुगलखोरी है। और अगर आप जानते हैं कि हम ये बात इस आदमी से कहेंगे तो इनके घर में झगड़ा होगा, अगर आप समझदार हैं अपने विवेक से काम ले रहे हैं तो आप उस बात को नहीं कहेंगे। लेकिन जिसकी आदत है चुगलखोरी करने की, वो ये सोचेगा ही नहीं कि मेरे इतनी सी बात कहने से झगड़ा हो जाएगा घर में, उसे तो समापन करना, क्योंकि उसकी आदत में है चुगलखोरी करना। हाँ, सहमत हूँ लेकिन पूरी तरह से नहीं सहमत हूँ। क्यों ऐसा आरोप लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसी महिलाएं जो पेट में पचता नहीं है तो उनके पेट में कुछ गड़बड़ होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, महिलाएं थोड़ी सी संवेदनशील होती हैं कि, और जैसे किसी महिला दूसरी महिला ने उनसे कुछ भी पूछा तो वो थोड़ा सा वो उसमें बता देती हैं उस बात को। बस ये बात है, संवेदनशील होने के कारण ही शायद हो सकता है ऐसा मेरी सोच में। ऐसी महिलाओं को जो जिनके पेट में बात पचती नहीं, अपने सोशल सेटअप में रिस्पेक्ट मिलती है? नहीं मिलती। क्या नुकसान उठाती हैं ऐसी महिलाएं? वो ये है कि भाई ये तो सब जगह सब बात ये फैला देती हैं, इनके सामने कुछ कब बात कहना बेकार है। लेकिन मेरे हिसाब से बात ऐसी महिलाएं होती हैं मोस्टली देखने को मिलती हैं। लेकिन ये है कि उस चीज़ को थोड़ा नहीं करना चाहिए, मेरी समझ से नहीं करना चाहिए। वो अपने तक करती हैं, फिर भी जितनी हो सके तो सीमित रखना चाहिए। किसी की बात अपने तक ही रखें आप, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी ने बताया है किसी की बात को तो आप उसका सम्मान करें, मेरी समझ से मैं कोशिश ये करती हूँ। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझती हूँ कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि महिलाएं जहाँ चार महिलाएं होंगी वो चुप नहीं बैठ सकती है। जैसे जेंट्स लोग होते हैं ना कि अपने आप को किसी से कोई हाय हो लोग हुई और अपने आप में चुप बैठ गया। लेकिन महिलाओं की एक खूबी होती है कि वो बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, और कनेक्ट इतनी हो जाती हैं कि फिर वो दिल की बातें शेयर करना शुरू कर देती हैं। तो जहाँ तीन या दो महिलाएं भी होंगी ना तो वो बोर होंगी और ना ही एक दूसरे से अनभिज्ञ होंगी, अपने आप को जल्दी एक दूसरे से मिक्सअप कर लेती हैं। हमारी कई महिलाओं से बात हुई, उनका ये कहना है कि जब तक हमारे अंदर कोई बात है और हम किसी को बता ना ले तो गुड़ुम-गुड़ुम सी होती रहती है। तो क्या ऐसा होता है आपके भी? होता है, मेरे तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपका हाजमा अच्छा है? बिल्कुल, मेरा हाजमा बहुत अच्छा है क्योंकि मैं दो तीन प्रोफेशन को भी अपने साथ लेके चलती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों को पेट में डाल के ही चलना पड़ता है। अगर मैं हर चीज या हर बात को बाहर निकाल के चलूँगी तो शायद मेरे प्रोफेशन के लिए भी खतरा हो सकता है। अच्छा, मतलब आप ये है कि आपके दौरे मापदंड में इसीलिए आप नहीं, अगर नहीं होती तो शायद होती नहीं। लेकिन नेचर भी होता है, हर महिला का एक अलग नेचर होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर महिला अपनी बात मतलब बहुत जल्दी अपनी बात से ऐसी महिलाएं आपको देखने को तो मिलती है? बिल्कुल होती हैं, उनकी एक हैबिट होती है कि आप मेरी बात सुनी किसी और से कही, उसकी बात सुनी किसी और से कही, क्योंकि वो कुछ और नहीं करना चाहती तो इन्हीं सब चीज़ों में अपना टाइम पास करना चाहती हैं। और ऐसी महिलाओं को शायद मैं पसंद भी नहीं करती हूँ। मतलब उनको आपको लगता है कि ऐसी महिलाएं इस टाइप का आनंद उठा के खुश रहती हैं और मतलब फालतू का टाइम वेस्ट भी करती हैं अपनी लाइफ का, जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पता नहीं कि वो मतलब औरतें होती हैं ऐसी नहीं पचा पाती। आदमी जी है ना तो जेंट्स थोड़ा नहीं बोलते, वो चुप रहते जरा। अच्छा, इस तरह का आपको भी मन में होता है कि हाँ, अगर कोई बात पता चली है तो आप भी हाँ, लोगों को बताना हाँ, चाहती हूँ? बोल देती हूँ। तो ऐसा करने के पहले क्या पेट में कुछ
उछल पुछल होती है जिससे आपको लगता है कि बोलना है लोगों को बताना है? ऐसा नहीं है, किसी किसी को ऐसा लगता है कि मतलब ये बात हजम नहीं हो पाएगी अपन को, तो इसे दूसरे को बता देती है अपन। तो उससे क्या खुशी मिलती है? खुशी से ही एक मन हल्का हो जाता है, सामने वाले का चाहे भारी हो जाए। क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। अच्छा इस तरह का जैसे आपने कहा आपके आपको भी लगता है कि पेट में उबाल सा आता है और आप दूसरों को बताती हैं, तो ऐसा दिन भर में कितनी बार होता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, एक आध बात ऐसी हो जाती है जो बोलने पड़ती, नहीं तो वैसे किसी के पास क्या टाइम है कि कोई किसी से कहने को जाए। बस मेरी तो दीदी है, उन्हीं के पास मैं आती हूँ, उन्हीं को बताती हूँ सब अपनी परेशानी जो भी। क्या बांधती हैं ऐसी महिलाएं ज्यादा हैं जो इनके पेट में बात पसती नहीं है? बहुत सी औरतें हैं ऐसी। तो ऐसी महिलाओं को क्या सम्मान मिलता है? पता नहीं अब मुझे ये तो, मगर ये है कि नहीं इज्जत मिलती है क्या ऐसी महिलाओं को? मिलती भी और नहीं भी, कोई मतलब जो बात अच्छी होती है तो उससे मिलती है कि चलो उसने बताया है हमें। कई बार ऐसी महिलाएं अपमान का शिकार भी होती हैं? हाँ, होती है। आपको भी ऐसा करने में मजा आता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो अपने काम से मतलब है, किसी की तरह मतलब मुझे क्या करना, कोई कुछ कर रहा है मुझे अपने बच्चों का। अगर कोई महिला जिसके पेट में गुड़म गुड़ हो रही है ऐसा बताने की, तो सुनने में आपको मजा आता है? नहीं अब जैसे कोई बताता है तो फिर अपन थोड़ी ना इनकार कर देंगे कि नहीं बोलेंगे, तो आप भी उसमें मजे लेती हैं फिर? मतलब ऐसा है कि जैसे कोई बताना चाहेगा तो हम लोग चलो कर लेते हैं, दो तीन औरतें बैठ के चलो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो बात उन्होंने कहा तो मतलब रह जाते हैं। आप भी उसमें आनंद लेती हैं? आनंद वाली क्या बात है। मैंने जो कहा जाता है कि महिलाओं के पेट में कोई बात पचती नहीं है, क्या मानती हैं ऐसा होता है? कई देखिए मतलब कई लोगों पे तो ये औरतों पे तो लागू होता है मैं ये कहूँगी, लेकिन जितनी औरतें बचा सकती हैं जब वो आदमी की तनख्वाह में से पैसे बचा सकती हैं तो जाहिर सी बात है बातें भी बचा लेती हैं। कई महिलाओं ने बताया कि वो जब तक जो बात छुपाने की हो ना वो अगर किसी से कहें तो उनके पेट में गुड़म गुड़म होती रहती है। जी जी होती है, बिल्कुल होती है। आपकी भी होती है? नहीं मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं जो बात नहीं कर रही है नहीं करूँगी, लेकिन हाँ जो करने की थोड़ा सा गुड़मुड़म होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब आपका हाजमा बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया है। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।